के बीच अमित शाह ने टाइम्स ऑफ भारत की ग्रुप एडिटर इन चीफ नाविका कुमार को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। अमित शाह के निशाने पर वैसे तो पूरा इंडी गठबंधन है, लेकिन गांधी परिवार पर शाह का वार सबसे धारदार। अमित शाह ने कहा कि गांधी परिवार को अपनी परंपरागत सीट से लड़ना चाहिए, लेकिन वो अमेठी और रायबरेली से लड़ने का आत्मविश्वास गंवा बैठे। शाह ने कहा कि कांग्रेस अमेठी से राहुल गांधी के नाम का ऐलान करने से डर रही है। आपको बता दें कि नाविका कुमार के साथ अमित शाह का पूरा सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप शुक्रवार शाम 7:55 पर देख सकते हैं। रायबरेली और अमेठी में अब तक उन्होंने तय नहीं किया कौन होगा। अब ये खबर आ रही है कि शायद गांधी परिवार से कोई नहीं होगा, लेकिन कांग्रेस का ये भी कहना है कि आप दोनों तरफ से उन्हें जीने नहीं देते। अगर गांधी परिवार आता तो आप कहते देखो इन्होंने अपना बना के रखा है, गांधी परिवार नहीं आएगा तो भी आप कहोगे अरे डर गए भाग गए। नहीं, हमने ऐसा कभी नहीं किया। उनको लड़ना चाहिए अमेठी से, हमें कोई आपत्ति नहीं। उनका परंपरागत सीट है, लड़ना चाहिए, मगर वो आत्मविश्वास ही गंवा बैठे। नहीं लड़ते हैं तो भी आत्मविश्वास गंवा बैठे हैं, और लड़ते हैं तो भी घोषणा करने से क्यों डर रहे हैं? आपने भी तो घोषणा नहीं की। हमने कर दी, स्मृति बहन लड़ रही है, लड़ ले राहुल गांधी। रायबरेली की घोषणा हम कल परसों में कर देंगे। 3 तारीख कल तो लास्ट डे है। तो कल कर ही देंगे हम, परंतु इतने प्रमुख नेता जिनके दारोमदार पर कांग्रेस पार्टी पूरे देश भर में चुनाव लड़ रही है, हमारे यहाँ क्या मोदी जी का सीट डिक्लेयर नहीं हुआ है, राजनाथ जी का सीट डिक्लेयर नहीं हुआ है, सबने किए, मोदी जी भी 7वें चरण में, क्यों डरना चाहिए? मुझे मालूम नहीं पड़ता। तो आपको एक बार फिर से बता दें कि नाविका कुमार के साथ अमित शाह का पूरा सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आप शुक्रवार शाम 7:55 पर देख सकते। आप रिलीजन बेस्ड आरक्षण हटा देंगे, खत्म कर देंगे, लेकिन आपकी अलायंस पार्टी है तेलुगु देशम पार्टी, जिसने एनडीए मैनिफेस्टो रखा और उसमें माइनॉरिटी अपीजमेंट है। आइडियोलॉजी मैच होना जरूरी नहीं है। मैं बताता हूँ ना,